हेलो क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना इंग्लिश का सेकंड चैप्टर। ओके, इसका नेम है व्हाट अलीशा डज द होल डे। अलीशा कोई लड़की है, वो पूरे दिन में क्या क्या काम करती है, उसके बारे में आपका ये सेकंड चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। यू आर नाउ अ ग्रोन अप चाइल्ड। आप अब क्लास फर्स्ट में हो चुके हो, आप अब क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, ठीक है, थोड़ा समझदार हो गए हो। यू शुड ट्राई टू बी नाइस बाय डूइंग मोस्ट ऑफ योर वर्क योर सेल्फ। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करनी चाहिए, अपना मोस्ट ऑफ योर वर्क, अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम योर सेल्फ, अपने आप करके, ठीक है ना। क्योंकि UKG तक तो ऐसे था भी, आपकी हेल्प मम्मी पापा करें, किसी से करवाओ, कुछ भी चलता था। अब आप क्या हो गए हो, ग्रोन अप, ठीक है, थोड़ा बड़े हो गए हो, समझदार बनो। अब नाइस बच्चा बनने के लिए आपको क्या करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करने हैं। यू कैन ऑल्सो मेक एंड फॉलो अ डेली रूटीन। आप क्या कर सकते हो, आप एक डेली का रूटीन बनाइए, उसे फॉलो करिए। आप एक तो रूटीन बनाओ डेली का कि आपको क्या काम करना है, रोज़ कैसे करना है, कब करना है, और फिर उसे फॉलो भी करो। लेट्स रीड अबाउट अलीशा एंड नो हाउ शी बिकम्स अ नाइस गर्ल बाय डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, तो हम इस लेसन में क्या करेंगे, अलीशा के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो एक नाइस गर्ल बनती है, एक अच्छी लड़की बनती है, डूइंग हर वर्क हर सेल्फ, अपना काम अपने आप करके। ठीक है, देखें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अलीशा इज़ द 6-year-old गर्ल। अलीशा क्या है, एक 6 साल की लड़की है। शी स्टडीज़ इन क्लास फर्स्ट। वो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है, आपकी तरह वो भी 6 साल की लड़की है और क्लास फर्स्ट में पढ़ती है, जैसे आप क्लास फर्स्ट में पढ़ते हो। शी हैज़ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड एन एल्डर ब्रदर इन हर फैमिली। उसके क्या हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं और एक बड़ा भाई है उसके परिवार में। ठीक है, उसकी फैमिली में ये देखिए, उसके मम्मी पापा हैं, उसके दादा दादी हैं, उसका बड़ा भाई है और ये है अलीशा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अलीशा इज़ अ नाइस गर्ल। अलीशा क्या है, एक बहुत ही अच्छी लड़की है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी उठती है, आपको भी सुबह जल्दी उठना चाहिए। शी ब्रशेस हर टीथ एवरी डे। वो अपने दांत हर रोज़ साफ़ करती है, आपको भी हर रोज़ दिन में 2 बार अपने टीथ क्या करना चाहिए, ब्रश करने चाहिए। ओके, अलीशा एक गुड गर्ल है, ये देखो यहाँ पे ब्रश कर रही है, तो आपको भी करना चाहिए ये। शी ऑल्सो टेक्स अ बाथ एंड गेट्स रेडी फॉर स्कूल। फिर वो क्या करती है, नहाती है, बात करती है और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हर मदर सर्व्स हर ब्रेकफास्ट। उसकी माँ जो है वो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती है, ब्रेकफास्ट देती है यानी नाश्ता करवाती है। हमें भी सुबह अगर हम किसी काम से स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो कुछ ना कुछ खा के ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहिए। ठीक है, तो अलीशा देखो कितनी गुड गर्ल है, मम्मा नाश्ता लेकर आई और वो करके उसे स्कूल जाएगी। शी ऑल्सो पैक्स हर लंच। वो क्या करते हैं, उसका लंच भी पैक करते हैं। ठीक है, उसकी मम्मी जो है ना वो पैक करती है, उसका लंच भी पैक करती है, जैसे आप लोग टिफ़िन लंच बॉक्स स्कूल में लेके आते हो वैसे। अलीशा ईट्स हर ब्रेकफास्ट। अलीशा अपना ब्रेकफास्ट खाती है। शी पुट्स ऑन हर स्कूल बैग एंड गोज़ टू स्कूल। वो क्या करती है, अपना स्कूल बैग उठाती है और फिर स्कूल चली जाती है। ठीक है, तो ये अलीशा का सुबह मॉर्निंग का रूटीन है जो आज हमने इस चैप्टर में देखा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की जो इसकी रूटीन है कि वो स्कूल जाने के बाद स्कूल में क्या करती है, स्कूल से वापस आकर घर पे क्या करती है, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आपको करना क्या है, इस चैप्टर को रीड करना है और अलीशा की तरह एक नाइस बॉय और नाइस गर्ल बनने की कोशिश करनी है। और जितनी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग की एक्टिविटीज़ यहाँ अलीशा ने आपको बताई वो सब आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रश करना, नहाना, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करना। ठीक है, ये चारों काम आपको करने हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।